हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। मेरे को किसी ने कहा था कि आप बाइक की सेल्स के बारे में भी टाइम टू टाइम अपडेट दिया करो, तो इस बार मैं अभी अगस्त महीने की सेल का अपडेशन दे देता हूँ आपको। इस बार थोड़ा सा लेट है, बाकी अगले महीने टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त 2022 मतलब जो कंपनी है टॉप, उसने कितने कितने NOS या पीस अपनी गाड़ियों के सेल करे हैं अगस्त 2022 महीने में, और अगस्त 2021 में कितने करे थे, और कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है या डिक्रीज हुए, कमी कमी आई है, तो भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। हीरो ने अगस्त 2022 में 4,50,740 बाइक बेची है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और अगस्त 2021 में 4,31,137 बाइक्स इन्होंने बेची थी, मतलब 4.5% इंक्रीज हुआ है इसका बाइक सेल पिछले साल। हालांकि कोविड भी था, तो कोविड की वजह से भी बाइक की सेल गिरी थी पिछले साल, तो अभी इस साल जो अभी है इसमें 4.5% की इंक्रीज हुआ है। होंडा की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाइक बिकी हैं होंडा की टोटल 4,23,216 पीस बिके हैं, और जो अगस्त 2021 महीने में बिके थे वो 4,01,180 बिके थे। इसमें भी 5.4 की इंक्रीमेंट दिख रही है सेल में। और इसके बाद नंबर तीसरे पे आ जाती है TVS, ये डोमेस्टिक सेल है, मतलब अपने विद इन इंडिया की, भारत की सेल है। तो तीसरे नंबर पे आ जाती है TVS की सेल, जिसने बेचे हैं टोटल 315,539, 3,15,539 मोटरसाइकिल्स इनने और स्कूटर जो मिला करके दोनों की कंबाइंड सेल करी है। जो पिछले अगस्त 2021 में इसने सेल करी थी 2,74,313 बाइक्स इन्होंने बेची थी, इसमें भी 15% की इंक्रीज हुआ है रेट, ईयर ग्रोथ रेट जो है कह सकते हो आप, मतलब वृद्धि हुई है जो प्रतिशत, इतने प्रतिशत की 15% की वृद्धि हुई है सेल में। बजाज ने इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाती है बजाज मोटर्स ने 2,33,838 पीस जो है बेचे हैं अगस्त 2022 में, यही 1,57,971 पीस इसने बेचे थे अगस्त 2021 में, 48% की इसमें इंक्रीज देखी गया है। ये इसलिए वेरिएशन है क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत डाउन हो गया था बजाज का, सेमीकंडक्टर पार्ट की वजह से, यही बताया जा रहा है, तो इस वजह से उसके बहुत कम सेल हुई थी, और इस बार इनने जो सेल करी है 48% बढ़ा करके ऑलमोस्ट डबल, लगभग इनने बाइक्स बेची हैं अगस्त 2021 से अगस्त 2022 में, मतलब उस महीने में और इस महीने में इतना लगभग डबल का फर्क है। इसके बाद आ जाती है बात आ जाती है सुजुकी की, सुजुकी ने बेची हैं 64,654 पीसेस, 64,654 इसने बेचे हैं अगस्त 2022 में, इससे पहले इस साल इसने बेचे थे 61,809 पीसेस बाइक्स, 4.6% की इसमें भी वृद्धि देखी गई है। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं बुलेट कंपनी रॉयल इनफील्ड की, रॉयल इनफील्ड ने जो अगस्त 2022 में सेल करी है वो है 62,236 बाइक्स जो बेची हैं इन्होंने, इससे पिछले साल अगस्त 2021 में इन्होंने 38,572 बाइक्स बेची थी, इसने लगभग 61.4 मतलब 62% की वृद्धि हुई है, लगभग आधे से भी ज़्यादा डबल की वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, तो बहुत अच्छी बात हुई है रॉयल इनफील्ड के लिए। तो ये थी टॉप भारत की जो कंपनियां हैं 6 जिनकी सेल थी, ये इन्होंने इतने इतने सेल करी है पिछले महीने अगस्त 2022 में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टॉप 10 बाइक कौन सी बिकी हैं अपना अगस्त 2022 में। तो नंबर 1 पे तो आती है स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर आती है वो सारे वो प्लस और वो सब जितने भी होते हैं उसके सब इंक्लूड हैं इसी में, वो सब मिला करके स्प्लेंडर की जो टोटल बिकी हैं 2,86,707 बाइकें, 2,86,707 बाइकें बिकी हैं स्प्लेंडर अगस्त 2022 में, और ये 2,41,703 बिकी थी, मैं नीचे आपको स्क्रीन में वेरिएशन भी दिख रहा होगा, 2,41,703 बाइक्स बिकी थी स्प्लेंडर अगस्त 2021 में, तो यानी कि 18% की इसमें ग्रोथ हुई है। इसके बाद नंबर 2 पे आती है सीबी शाइन जो सबसे ज़्यादा बिकती है भारत में, दूसरे नंबर पे सीबी शाइन होंडा की 125 cc की आती है, 1,20,139 पीस इसके बाइक के बिके हैं अगस्त 2022 में, और अगस्त 2000 में इसके बिके थे 1,29,926, यानी कि 7% की कमी देखी गई है इसकी ग्रोथ में। इसके बाद आ जाती है भारत की 100 cc में सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर के बाद डिमांड में रहने वाली गाड़ी की प्लेटिना की, 99,987 ऑलमोस्ट लगभग 13 पीस कम 1,00,000 बिके हैं प्लेटिना के, और 56,600
15 पीस बिके थे अगस्त 21 में। बजाज की सेल में आपको अगस्त 21 और अगस्त 22 में काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके सेमीकंडक्टर की वजह से प्रोडक्शन में शॉर्टेज चल रही थी, प्रोडक्शन लॉस चल रहा था। तो 76% का इंक्रीज हुआ है इसका सेल रेशू। और चौथे नंबर पे आती है पल्सर की बात करते हैं, तो 97,135 पीस पल्सर ने बेचे थे इस साल, बेचे हैं 66,107, पिछले साल 66,107 बेचे थे और इस साल बेचे हैं 97,135। 46% की ग्रोथ इसने करी है, 46% की वृद्धि देखी गई है इसमें। एच एफ डीलक्स आती है पांचवे नंबर पे, जो है हीरो की सबसे सस्ती बाइक कही जाती है एच एफ डीलक्स। अभी हीरो ने रेट भी बढ़ा दी है 1,000 रुपये तक अपनी बाइक के, तो 51,000 कुछ की एच एफ डीलक्स ही है जो सबसे सस्ती बाइक पड़ती है। ये पांचवें नंबर पर आती है, 72,224 पीस बिके हैं इसके, पिछले साल इसके 124,575 पीस बिके थे, 36% तक की इसके घटी है सेल, इतना बहुत ज़्यादा फर्क आ गया पिछले साल से इसमें। इसके बाद आती है अपाचे TVS की, TVS की एक ही बाइक आती है टॉप 10 में, तो ये वही इकलौती है 6 नंबर पे, 40,520 पीस बिके हैं, पिछले साल बिके थे 16,423, इसमें भी आपको काफ़ी वृद्धि देखने को मिल गई, 146% की वृद्धि देखने को मिल गई, 16 दुनी 32, हाँ 146% तक की सेल इंक्रीज हुई है। ये सारे मॉडल इंक्लूड करके हैं, 200 cc की हो, 160 cc की हो, 220 cc हो, तो ये सारे cc मिला करके हैं अपाचे के, ऐसा नहीं है कि एक ही इसके हैं, तो सारा ओवरऑल अपाचे की सेल है ये। पैशन की 28,149 पीस बिके हैं, पिछले साल बिके थे अगस्त 2021 में 14,812, यानी कि 90% की वृद्धि हुई है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया लगभग पैशन की सेल को पिछले साल से हीरो ने। तो ग्लैमर की है इसके नंबर 8वें नंबर पे आते हैं, 27,613 इसने बेचे हैं, इससे पहले बिके थे पिछले साल 20,707, यानी कि 16% की वृद्धि करी है। उसके बाद करते हैं यूनिकॉर्न 160 होंडा की, 25,051 पीस बिके हैं, पिछले साल सिर्फ 5,680 पीस बिके थे, 80 में भी एक कम, 5,679, यानी कि 341% की वृद्धि हुई है, बहुत बढ़िया। इसके बाद लास्ट में आ जाती है बजाज की CT 100, जिसने 24,094 पीस बेचे हैं और 26,578 इसने पिछले साल बेचे थे, यानी कि -9% की कमी आई है इसकी सेल में। तो ये थी भाइयों लिस्ट, जिसमें आपकी हीरो की गाड़ियां हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां हैं हीरो की टॉप 10 में, 5 गाड़ियां हीरो की है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई, तो इतनी तो सेल इसकी होगी ही। दूसरे नंबर पे आती है होंडा, होंडा की 1, 2 यूनिकॉर्न, हाँ तो 2 इसमें होंडा की हैं, और पल्सर हो गई, प्लेटिना हो गई और CT 100 हो गई, 3 इसकी हैं आपकी बजाज की। तो यही थी सेल डिटेल, मैंने कलेक्ट करके डाटा आपको देने की कोशिश करी है, आप बताना कैसे लगा। अगले महीने का भी मैं आपको ये डाटा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।